वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं सब गुरविंदर है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको हिप के आसपास पेन होगा। आइडियली मैंने सोचा तो अपने दूसरे पेशेंट के साथ था, बट गुरविंदर आ गया तो मैं गुरविंदर के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। गुरविंदर की भी वही प्रॉब्लम है, बट गुरविंदर की ये प्रॉब्लम मेजर नहीं है, माइनर है। गुरविंदर तब भी पूछ रहा था मुझसे कुछ सवाल। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक छाती का जैसा पेन या हिप के आसपास जैसा पेन, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इस हिप के आसपास के पेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आपकी टाइट बैक की वजह से हो सकता है आपके टाइट हिप की वजह से हो सकता है कि आपकी क्वाड्रिसेप टाइट हो सकता है आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकता है आपका जो बैक की रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो, तो उन सब चीजों की वजह से भी होता है। और जब हम हिप के आसपास का पेन के लिए बात करते हैं तो हम हमेशा एक कोशिश करते हैं एक मसल का नाम लें। तो जब हम इस मसल की बात करते हैं तो हम पाइरिफॉर्मिस मसल की बात करते हैं, तो हमें जो खुलना होता है या तो हिप फ्लेक्सेस को खुलना होता है या पाइरिफॉर्मिस मसल को खुलना होता है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको हिप को खोलने वाली एक्सरसाइजेस बताऊं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं, और आपको हर सेकंड तक पता चले कि कितनी देर कर सकते हैं आप कितनी देर नहीं कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और हमसे क्वेश्चन पूछना कमेंट्स में मत छोड़िएगा। और थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। गुरविंदर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। श्योर। हाय, माय नेम इज गुरविंदर और ये मेरा आज थर्ड सेशन है, और आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जब मैं इनके पास आया था और इन्होंने सारे डाउट्स क्लियर करे बहुत अच्छे से। और आई कैन सीरियसली फील कि इवन आफ्टर थर्ड सेशन मुझे काफ़ी रिलीफ है, बैक काफ़ी लाइट फील कर दी है और हिप्स में भी कम खिंचाव है। सो सर ने बोला था कि आज कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो एक्सरसाइज आपको भी बताएंगे, व्यूअर्स को भी बताएंगे, ताकि इंफॉर्मेशन शेयर रहेगी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना रहेगा। आप और हम आगे 10 साल में भी याद रखते हैं कि हमने ये चीज़ें आज के दिन की थी। तो पहली जो एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सीधे लेट जाएं, पहले मैं लेटने से चालू करूंगा, फिर बैठने वाली एक्सरसाइजेस पे आऊंगा और उसके बाद खड़े रहने वाली एक्सरसाइजेस पे आऊंगा। तो लेट के जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे कि आप दोनों पांव को मोड़ें, राइट। और इसी पार्ट की एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं जिसमें आईटी बैंड भी इन्वॉल्व होता है और पाइरिफॉर्मिस मसल भी इन्वॉल्व होती है। तो या तो आप इसको दोनों पांव को रिलैक्स करके, पांव को दूर करके साइडवेज रोटेट करेंगे, आप हाथ हमेशा यूजली सर के पीछे रखेंगे या वाइड ओपन कर लीजिए और स्ट्रेच कीजिए। इनकी देखिए बैक टाइट है इसलिए यहाँ पे स्ट्रेच नहीं आ रहा होगा, राइट। बैक इतना ऊपर उठा हुआ है ना, तो इसी को मैं चेंज करूंगा। अब मैं टांग को अंदर कर दूंगा और इस टांग को ऊपर कर दूंगा। अब मैं स्ट्रेच करूंगा, अब आपको स्ट्रेच फील भी हो रहा होगा, है ना। यही मसल आप देखेंगे बैक से लेके पाइरिफॉर्मिस से लेके आईटी बैंड तक की सारी चीजें इसमें स्ट्रेच हो रही है। कोशिश करें इसको 30 सेकंड्स से 1 मिनट रोटेट करके करें, और जितनी आपको आपके पास टाइम है उस हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि आप 3-3 मिनट एक एक एक्सरसाइज को देना चाहते हैं और इसमें फील हो रहा है बहुत ज्यादा टाइट है। और इसका एक और सवाल था, व्यूअर्स सुनते रहिएगा, कि ये शैटिका के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो शैटिका के सिम्टम्स ये नहीं होते हैं, है ना। शैटिका के सिम्टम्स दूसरे होते हैं, इसका आईटी बैंड और पाइरिफॉर्मिस बहुत ज्यादा टाइट है, यही इसका पेन का पॉइंट है। क्लियर हुआ पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, अब मैं इसको क्रॉस कर लूंगा, एक हाथ अंदर से डालोगे एक हाथ इसमें से डालोगे, ठीक है। तो आप अंदर स्ट्रेच करो, जब लेफ्ट से कर रहे हो तो राइट स्ट्रेच हो रहा है, ये भी आप 30 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए, वापस आइए, छोड़ना नहीं है, हाथ छोड़ना नहीं है, रिलैक्स कर लो, फिर वापस जाएंगे सांस लेते हुए अंदर, ब्रीथ इन, उंगलियां भी ला लिया करो ताकि ब्रीथ अच्छी ब्लॉक है, फिर अंदर जाएंगे। अब मैं दूसरी तरफ से करूंगा, अब आपका लेफ्ट स्ट्रेच हो गया जो बताइए, ठीक है, क्योंकि आपके देखिए इतना ज्यादा इमी बैंड हो भी नहीं है ना, इसको करेंगे
इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन एक्सरसाइज करने के लिए आप आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, एक पाँव दीवार पे रख लो नी बेंड करके और आगे जाओ 90 डिग्री बेंड करेंगे और आगे जाओ, हाँ 90 डिग्री रखो, लेट जाओ, दूसरा पाँव फिर क्रॉस कर लो उसके ऊपर। अब आप इस हाथ से इसको नी को पुश कीजिए और थोड़ा सा आगे जाओ क्योंकि नहीं नहीं बन रहा, ओके ये 110 या 100 डिग्रीज बन रहा है और जैसे जैसे प्रेशर और चाहिए होगा और आगे जाते जाइए, इस पाँव से भी प्रेस करो और इसको भी प्रेस करो, फिर अंदर ले जाओ फिर प्रेस करो, तो इसके साथ हिप की मोबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, आईटी बैंक को और ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो दूसरे पाँव से। जाके अपने नीज को कोशिश करूंगा कि जितना हवा में उठा सकता हूं हवा में उठाऊंगा, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, अब ऊपर नीचे करो, यस तो ये हर रोज आपको 10-15 मिनट करना चाहिए सुबह या खाली एक्सरसाइज, और इसी में आप आगे बेंड भी कर सकते हो, और थोड़ा पीछे जाओ बताता हूँ आपको, जितना फीट को क्लोज रखोगे पकड़ लो और क्लोज थोड़ा सा दूर कर लो, बहुत ठीक मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब एल्बोज को बाहर निकालो, एल्बोज को बाहर निकालो बाहर निकालो, अब आप ग्रोइन स्ट्रेच कर रहे हो, ओके, और स्पाइन को मोड़ना नहीं है, स्पाइन को इलोंगेट करना है, है ना। तो अब आगे जाओ, एल्बो एब्डोमेन को टच करते हो और थोड़ा सा उसको मूव करो ऊपर नीचे, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ये करेंगे, इस पे क्रॉस कर लो, अब इस पे ही दोनों हाथ रख के इसको मूव करेंगे, उसको भी चलाना है ऊपर नीचे, okay. आपका हिप सारा मोबिलाइज हो रहा है, okay. दूसरे पैर से एक जो हिप से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी लोअर बैक को स्ट्रेच ओपन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वज्रासन में बैठना है, व्यूअर्स आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आप हमें बताएं और चैनल से को लाइक करें जाने से पहले और थम्स अप जरूर दें, थैंक यू थैंक यू।